कोसीकला के गांधी पार्क के समीप करीब एक दर्जन दुकानदारों ने विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई जा रही करोड़ों रुपए की सड़क के सही मानकों से न बनाए जाने का विरोध किया। दुकानदारों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद न रहने के कारण सड़क निर्माण कर रहे कर्मचारी बिना मानकों के ही सड़क को जल्दी जल्दी बनाकर कार्य को पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क बनने के बाद दुकानदारों को जलभराव की स्थिति से परेशान होना पड़ सकता है। सड़क का पूरा पानी उनकी दुकानों के अंदर जाने की गंभीर समस्या पैदा होने की स्थिति आ सकती है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि सड़क के लिए आवंटित किए गए पैसे में से कुछ पैसा ही सड़क में लगाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर सड़क पर देखने को मिल सकेगा। घटिया सामग्री की सरिया का उपयोग सड़क निर्माण में कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सड़क के ऊपर से निकाली गई टाइलों के ऊपर ही कार्य करने को अंजाम दिया जा रहा है। दुकानदारों ने विरोध करते हुए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सड़क निर्माण को सही मानकों से बनाए जाने की गुहार लगाई है। आप भी मतलब कुछ कहना चाहते हो? ये है कि ये अभी डमरू हटने के बाद में इसमें से और मट्टी उठनी चाहिए। अब क्या है कि इस पे डमरू, खाली डमरू को गाड़ के इन पे बेस बनाया जा रहा है। इसमें मट्टी और उखड़े, क्योंकि सड़क बहुत ज्यादा ऊंची है तो दुकानों में पानी भरेगा। बिल्कुल। तो अभी इसमें से यहाँ से मिट्टी और घुटनी चाहिए। अभी यदि आप देख लीजिए, डमरू उखाड़ने के बाद इस पे बेस बनाया जा रहा है, ये गलत है। इससे अभी कम से कम 6 इंची और यहाँ से मिट्टी उठे डमरुओं के बाद में, तभी ये रोड बनाया जाए, जिससे कि ये दुकानें नीची ना हो और इनमें पानी ना जाए। पानी दुकानों में जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दुकानों में ऐसा तो है नहीं है कि अब दुकानें उठाई तो जाएंगी नहीं भाई। जो दुकानें बनी हुई हैं पहले से ही बहुत ऊंची बनाई हुई थी, रोड धीरे धीरे बनता बनता हुआ अभी और ज़्यादा ऊँची। अब ये अब क्या कर रहे हैं कि इसको यहीं के यहीं बना रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि यहाँ से 6 इंची और खुदाई हो, जब जाके रोड बनाया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले कोई मतलब आपको अधिकारी भी आए थे पीडब्ल्यू के, मतलब यहाँ पर तो उन्होंने देखा था, यहाँ पर अधिकारियों ने देखा था। तो क्या कहा उनसे? मतलब उनसे नहीं, हमने भी उनको उस टाइम यही बताया था कि ये डमरू उखड़ने के बाद में भी कम से कम 6-6 इंची खुदाई और होनी चाहिए। कोई मानक नहीं है? कोई मानक नहीं है? मानक कोई नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। ठेकेदार आता है, कोई अधिकारी आता ही नहीं है। और ठेकेदार अपने हिसाब से लगे हुए हैं और बहुत पतली सरिया डाली जा रही है इसमें। और 2.25 करोड़ के जो मैंने सुना है, 2.25 करोड़ के करीब इसमें पैसा आया है, तो उस हिसाब से ये लागत जो लग रही है उसमें मानक सही नहीं है। शिकायत ये है जी, ये जो सड़क बन रही है ये हमारे हिसाब से गलत बन रही है। क्या होना चाहिए? क्या ये जो डमरू उखाड़े हैं, उखाड़ने के बाद जो मिट्टी है उसी पर ये डामर लेबर बना देते हैं। अच्छा। ना इसके नीचे से कोई मतलब बेस बना रहे हैं, ना मतलब जो सरिया जो लगा रही है वो बिल्कुल पतली लगा रहे हैं और सरिया को जूं ही घेर देते हैं। और इस पर कम से कम 150 टन का जो ट्रक है और वहाँ गिट्टी आती है कामा से और इसी से निकलते हैं सारे। ओल्ड जीटी रोड है ये। और यहाँ से 2-3 महीने में ये सारी सड़क बैठ जाती है। और कई बार ये बन चुकी है लेकिन ये सही हिसाब किताब से नहीं बनाते हैं। जो मानक के हिसाब से जो इसका टेंडर दिया है उस हिसाब से नहीं बनाते हैं। नहीं इससे खुद मतलब इसको बेस बना रहे ढंग से। हमारी यही परे हुआ है दिक्कत, सभी दुकानदार को बार बार दुकानदार सामान को निकाले पानी भर जाता है, पानी निकाल निकाल दे दुकानों में पानी भर जाए उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।